स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल फैक्ट धमाका 2.0 में। दोस्तों उम्मीद करता हूं जीके की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी महात्मा बुद्ध। सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर टू, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ए विक्रम साराभाई को, और दूसरा हमारा बी है डॉक्टर के सिवान, और इसका और तीसरा है डॉक्टर कस्तूरी रंगन। चौथा ऑप्शन हमारा है रामानुजन। हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, ब्लैक होल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो हमारा पहला विकल्प ए है स्टीफन हॉकिंग को, और हमारा दूसरा ऑप्शन नंबर बी है सी बी रमन जी को, और हमारा ऑप्शन नंबर सी है थॉमस अल्वा एडिसन जी को, और हमारा ऑप्शन नंबर डी है सी बी विश्वेश्वरा जी को, और इसका सही आंसर आ जाएगा सी बी विश्वेश्वरा। ब्लैक होल मैन ऑफ इंडिया सी बी विश्वेश्वरा जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चार, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जी हाँ, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सलीम अली जी को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र सिंह जी को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और हमारा ऑप्शन नंबर थ्री है जगदीश चंद्र बोस जी को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है दशरथ मांझी जी को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सलीम अली जी को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर पाँच है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है खान अब्दुल गफ्फार खान जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बी है गोपाल किरण गोखले जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और सी है रविंद्रनाथ टैगोर जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या फिर डी दादा भाई नौरोजी जी को और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर छः है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी जमशेद जी टाटा जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हाँ जी हाँ, डी विकल्प हमारा सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारा, देसी एंट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर हेमेंद्र भारती जी को देसी एंट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या फिर बी सलीम अली को देसी एंट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है रविंद्र कुमार सिन्हा जी को देसी एंट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, डी सत्येंद्रनाथ बोस जी को देसी एंट मैन ऑफ, तुम्हारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा डॉक्टर हेमेंद्र भारती जी को देसी एंट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर आठ है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो हमारा पहला विकल्प है डॉक्टर के सिवान जी को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या बी ऑप्शन है ई श्री धरन जी को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इस और हमारा विकल्प नंबर सी है
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। या विकल्प हमारा डी है, जो लास्टवा विकल्प है, प्रोफेसर सतीश चंद धवन जी को कहा जाता है। तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ई श्रीधरन जी को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो हमारा इसका विकल्प ए हो जाएगा, कैलाश संख्याल को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बी, लाला लाजपत राय जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सी, ई श्रीधरन जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डी रतन टाटा जी को कहा जाता है। तो हमारा इसका सही विकल्प हो जाएगा, कैलाश संख्याल जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो हमारा पहला विकल्प ए है, CB विश्वेश्वरैया जी को। और बी हमारा है, रविंद्र कुमार को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। या हमारा विकल्प नंबर सी है, होमी जहांगीर भाभा जी को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डी है हमारा, सत्येंद्र नाथ बोस जी को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका हमारा सही हो जाएगा, रविंद्र कुमार सिन्हा जी को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल फन फैक्ट धमाका 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।